राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज यहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा भार्गवी और श्रीनिवास का विरह। दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ने के तड़प में परेशान होंगे। भार्गवी भोजन करते करते काफ़ी ज़्यादा अपसेट होंगे, तो यहाँ पर श्रीनिवास भी खाना खाने के बावजूद कहते नज़र आएंगे कि वो तृप्त नहीं हुए हैं। भार्गवी कहते हैं तो मैं आपके लिए दूसरी थाल मंगवा देती हूँ। श्रीनिवास कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसे तृप्त नहीं होऊंगा। पद्मावती, तुमको नहीं पता, रहने दो, तुम नहीं जानती। ये सुनकर के पद्मावती को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाती। इधर जो वासु है वो ऋषि भृगु का अनुसरण कर रहा होता है और यज्ञ खत्म होने पर वो उनसे लड़ाई झगड़ा करता है और काफ़ी बुरा भला कहता है भार्गवी के बारे में, जिसे सुनकर ऋषि भृगु क्रोधित हो जाते हैं और वो वासु को श्राप देने वाले होते हैं। लेकिन तभी ऋषि भृगु को समझ आता है कि उनके श्राप के कारण ही तो ये सब कुछ बदला है, ये सब कुछ हुआ है, इसीलिए वो अब और श्राप नहीं देना चाहते। और वो वासु से कहते हैं कि आज तुम्हारा दिन अच्छा था, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी अवसर है, अन्यथा तुम इसी अग्नि में भस्म हो गए होते। वासु को अपनी इंसल्ट लगती है सबके सामने और वो ऐलान कर देता है और कहता है कि इसी अग्नि की कसम खाकर मैं कहता हूँ, मैं भार्गवी को ज़रूर ढूँढूँगा और वो जहाँ कहीं भी होगी उसे ढूँढ कर उसे दंड अवश्य दूँगा। और यहाँ पर ऋषि भृगु नहीं बताते हैं कि भार्गवी कहाँ है और वो वासु की बात पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाएगा कि भार्गवी अपना झूठा खाना नारायण के सामने रखती हैं और वो कहती हैं कि मैं ये भोजन शरीर तक पहुँचाना चाहती हूँ। और इधर श्रीनिवास भार्गवी के बारे में सोचते सोचते उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो दोनों मिला करते थे और झूले को देखने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते भार्गवी को झूला नजर आता है, उसे देखकर उसे श्रीनिवास की याद आती है और वो मन ही मन श्रीनिवास को याद करने लगती है। जैसे ही श्रीनिवास झूले के पास जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर खाने की थाली रखी है और वो समझ जाते हैं कि ये भार्गवी की है और वो उसे उठाकर भोजन करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। इधर आज विद्या का विवाह दिखाया गया है, लेकिन विद्या के पिताश्री आते हैं यहाँ पर ऋषि भृगु के पास और उनसे धन की मदद मांगते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई पैसे होते नहीं हैं। ऋषि भृगु उनको धन से मदद कर देते हैं, लेकिन श्रीनिवास ये देखते हुए कहते हैं इससे विद्या का विवाह नहीं होगा, सिर्फ धन से इसकी मदद नहीं होगी, लक्ष्मी रुष्ट हुई है, लक्ष्मी के नाराज़ होने का परिणाम तो सबको भुगतना ही होगा। इधर विद्या का विवाह शुरू होता है और उसकी बारात आती है घर पर, और विद्या की बारात जो भी लोग लेकर आते हैं वो देखकर विद्या का घर कहते हैं कि उस दिन तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से आदर सत्कार किया था, काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था, लेकिन आज तो ये घर देखकर के शमशान लग रहा है, हमें कोई विवाह नहीं करना। और यहाँ पर पद्मावती श्रीनिवास के बारे में सोच सोच कर बहुत प्रसन्न होती हैं और भार्गवी नटराज से यानी कि जो नारायण है उनसे प्रार्थना कर रही होती हैं कि आज विद्या का विवाह सही से हो जाए, उसे कोई भी परेशानी ना आए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।